बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आपकी आसानी के लिए एक बार फिर वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि आपने एमएस टीम्स और सिंगल नेशनल करिकुलम ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए क्या करना है। काइंडली दर्जैल हदायात पर अमल करें। जैसे कि आपको पहले मैंने बताया है कि माइक्रोसॉफ्ट टीम अकाउंट जो आपका होगा उस पर आपका cnic@qaid.edu.pk ये आपका यूज़र आईडी होगा, आपका ईमेल की तरह जो आपने अपने लॉगिन में लिखना है। उसके बाद आपका पासवर्ड आपके डिस्ट्रिक्ट के पहले 3 अल्फ़ाबेट्स होंगे, जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट होगा वो कैपिटल में होगा और बाकी जो अल्फ़ाबेट हैं वो स्मॉल होंगे, और उसके बाद आपके पास जो डिजिट दिए गए होंगे वो आप इसमें शामिल करेंगे। ये ईमेल, ये यूज़र आईडी और पासवर्ड जो गवर्नमेंट के टीचर हैं, जो पब्लिक स्कूल टीचर हैं, उनको उनके सिस के अकाउंट पे कायद की तरफ से मिलेगा, और मोस्टली 99% लोगों को ये मिल चुका है। और आपने 5 जुलाई से पहले पहले अगर ये डेट एक्सटेंड नहीं होती, हर सूरत में 5 जुलाई तक आपने अपने आप को इनरोल करना है, रजिस्टर करना है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पर। एक बात याद रखें, ये जो क्रेडेंशियल्स हैं, ये जो आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड है, ये सिर्फ एमएस टीम्स के लिए है, एलएमएस के लिए नहीं होगा। आप इस पर इनरोल हो जाएंगे, आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, तो आपने ट्रेनिंग सेशन सिंगल नेशनल करिकुलम के 14 जुलाई से जो स्टार्ट हो रहे हैं वो आपने वाया माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ज्वाइन करने हैं। और उनको ज्वाइन करने के लिए आपने माइक्रोसॉफ्ट टीम्स जो अकाउंट है, ये इसका URL दिया हुआ है https://login.microsoftteamsonline.com, इसको आपने यूज़ करना है, या जो लिंक आपको आपके ट्रेनर की तरफ से मिलेगा आप वो लिंक यूज़ करेंगे। उसके बाद कुछ और स्टेप्स हैं सिंगल नेशनल करिकुलम के हवाले से। इसमें आपने करना क्या है कि गेट एनरोल्ड एट SNC पोर्टल, ये पोर्टल है SNC जो आपके साथ शेयर किया जा रहा है, https://snc.punjab.doe.pk। इस पे आपने ड्यूरिंग 25 जून to 5 जुलाई तक अपने आप को रजिस्टर करना था। नंबर 2, एक्टिवेट योर एमएस टीम्स अकाउंट्स यूजिंग योर क्रेडेंशियल्स। उसके बाद आपने जब एनरोलमेंट कर लेनी है, तो उसके बाद आपने अपने माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का जो अकाउंट है उसको आपने एक्टिवेट करना है, और उस एक्टिवेट करने के लिए आपने ये जो ऊपर आपका क्रेडेंशियल्स हैं, आपका ईमेल यूज़र आईडी है, और नीचे पासवर्ड जो आपको दिया गया है या आपने प्राइवेट स्कूल के टीचर ने खुद जनरेट किया है, उसको इस्तेमाल करते हुए एक दफ़ा आपने वहाँ पे अपनी एक्टिवेशन कर लेनी है। सी ट्रेनिंग स्केड्यूल एट https://snc.punjab.gov.pk। इस लिंक पे, इस URL पे आपने 13 जुलाई को अपना जो ट्रेनिंग स्केड्यूल है वो देख लेना है। उसके बाद अगर कुछ मसाइल आ रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं लॉगिन होने में, आपके पासवर्ड या यूज़र आईडी में या किसी और हवाले से, तो आपने करना क्या है कि एक तो इस साइट को विज़िट करना है, qaid.edu.pk pages/sub pages। इस अगर इस दौरान आपकी कुछ क्वेरीज हैं, कुछ आपको मसाइल हो रहे हैं या आपको कोई इशू आ रहा है, तो आप सपोर्ट, ये ईमेल सपोर्ट है, आप इस पर करेंगे support@snc.punjab.gov.pk। इस पर आप ईमेल करेंगे, अपने इशू लिखेंगे, और आपको ईमेल के थ्रू वो इशू रिजॉल्व कर दिया जाएगा, और आपसे जो कम्युनिकेशन है वो कर ली जाएगी। मज़ीद हेल्पलाइन के लिए आप नंबर भी डायल कर सकते हैं 04211112020। तो इस पर आप हेल्पलाइन पर कॉल भी कर सकते हैं और अपना इशू जो है वो शेयर कर सकते हैं, और उनके साथ जो टीम है उनसे पूछ सकते हैं। उम्मीद है आपका ये इशू रिजॉल्व कर दिया जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मज़ीद अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें, आपकी तमाम क्वेरीज़ का जवाब दिया जाएगा।